ओके नमस्ते आदाब। उसके ख्याल में आहूसी संकल्प कांचटिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। गाइस, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं CACMA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिवीजन सेशंस। यस, सो बाय द टाइम आप लोग के एग्जाम्स आएंगे, एटलीस्ट 3 बार ये सारे रिवीजन सेशंस देख लेना। एंड आई टेल यू दैट कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बट मेरे को आप लोग की तरफ से एक प्रॉमिस चाहिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये सेशंस तो प्लीज लाइक डेफिनेटली आप पोस्ट कीजिएगा एंड शेयर योर कमेंट्स गाइस। योर फीडबैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना तुम लोग बीट पॉजिटिव, बीट एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव, जितना आप तो फीडबैक शेयर करते रहोगे, जितना कमेंट्स डालते रहोगे, अच्छा लगा तो अच्छा है, व्हाट एवर इट इज, सो दैट आने वाले वीडियोज में आई विल बी मोटिवेटेड। इफ इट्स अ पॉजिटिव थिंग, इफ इट्स अ कंस्ट्रक्टिव थिंग, आई टेक दैट इन माइंड। सो ऑल इन ऑल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर मी। दूसरा, आप लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे इन 1 आवर, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितने भी रिवीजन सेशंस है वो 1 आवर में कंप्लीट करूं, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूल। इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना सब कुछ पढ़ना है, तो 1-1 घंटे में मैं रिवीजन सेशंस कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, टेस्ट लिख सको आप लोग, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस रहे एंड इट गेट सेटल्ड इन योर हेड। देखो, एक बात याद रखना, जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में टेंशन एंड नर्वसनेस एंग्जाइटी कम होगी। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इंश्योरिंग दैट 1-1 घंटे में सब हो जाए। और मैंने ये किया हुआ है प्लान, अगर आप लोग नोट करोगे ना, तो मैंने नवंबर 23 के लिए 1-1 घंटे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ऐसे सब चैप्टर किया था कंप्लीट, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट नाउ एज वेल। ऑलराइट गाइस, सो प्लीज एकदम शिद्दत से देखना सारे चैप्टर्स के, मैं ये रिविजन वीडियोज बनाऊंगा, प्लस MCQs है वो तो हम लोग टेलीग्राम पे डाल ही रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ्स। अब ये सर आप कहां से करवाने वाले हो, तो बट ऑब्वियसली बात है आई विल बी टीचिंग इट फ्रॉम माय AFM मैजिक बुक। इन केस आपने नहीं ऑर्डर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, इमीडिएटली ऑर्डर कर लो। इट्स जस्ट एट अ नॉमिनल फीस ऑफ $299 विद होम डिलीवरी, एंड ट्रस्ट मी दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, स्पेशली इन दैट 1.5 डेज गाइज। यस, सो ये एंड ऑफ द डे अपने को जो टेंशन रहता है अपने 1.5 डेज का, दैट इज वॉट दिस बुक इज गोइंग टू सॉल्व फॉर योर। जैसा आपको पता है इस बुक का थीम ही है दैट वी हैव टू कंप्लीट इट इन 1.5 डेज, तो अभी से अपन लोग उसका नेट प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो अच्छा है। कवरेज वाइज ICAI मटीरियल, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर के साथ लिया है मैंने, फॉर्मूला सब दे दिया है मैंने, सो यू शुड हैव इट। इन केस नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई विल बी शेयरिंग द PDF, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एंड लिमिटेड स्टॉक है। इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय देन डू दैट ऑन एन इमीडिएट बेसिस, बिकॉज अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। सबसे पहले स्टडी मेंटोर, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर में अपने को क्या क्या चीजें करनी है। क्लोजिंग कैश बैलेंस, लोड इन म्यूचुअल फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। पहले मैंने स्टार्ट किया है थ्योरी के साथ, सो मुझे पता है कि हर एक चैप्टर में अब बिकॉज MCQ है तो थ्योरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप है ना RTP देखना, RTP में वो लोग ने थ्योरी के बेसिस पे जो हाई लेवल के MCQs बनाए हैं उसके लिए आपको थ्योरी के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई हैव डन। जो भी थियोरी है उसको समराइज मैनर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे मैजिक बुक में ले लिए। उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। सो जितने भी फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में जहां जहां से सब चीज मैंने ले ली है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोज एंडेड फंड है, तो क्लोज एंडेड फंड के रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे मैंने मास्टर क्वेश्चन डाल दिया है। से ग्रोथ स्कीम, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट का स्कीम है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 4 है। तो थ्योरी आ गया पहले, फिर बाद में यहाँ पे अभी आप लोग के पास आ गया सारे फॉर्मूला शीट्स, एंड देन एंड इट विद मास्टर सम्स। व्हाट इज दिस मास्टर सम्स? एग्जाम में ऑब्वियसली इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ सम्स नहीं कर पाएंगे, तो हर चैप्टर में जो मेन 10 to 20 सम्स है जो अपने को एग्जाम के लिए करना है जिससे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए इज व्हाट आई हैव डन। एंड मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कौन से कॉन्सेप्ट के है, अगर वो ICAI मॉड्यूल में से, ICAI मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चन पे है। ऑल ऑफ दैट इज डन फॉर योर गाइज। यस, सो ये सारी चीज है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ICAI में कौन सा मॉड्यूल नंबर क्वेश्चन है, अपने इसमें जो रेफरेंसिंग है वो भी दे दिया है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बस 1 घंटा हर एक चैप्टर के लिए देना है एंड एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज कर लेना है एंड यू विल बी थ्रू। क्या बोलता है पब्लिक, ठीक है? सो ऑन दैट नोट, एज आई टोल्ड यूर, स्टे कमेंटिंग, लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड द सेशंस, हाउ डू यू फाइंड दिस इनिशिएटिव, मैजिक बुक कैसा लग रहा है वो भी बताना।
और मिलते हैं फिर ये सेशन को। अब मैं स्टार्ट करता हूं ऑन दैट नोट, और आप लोग को मेरी तरफ से कुछ भी चाहिए लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी 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 टू हेल्प यू। राइट पब्लिक, तो चलो फिर शुभकामनाएं देवी किस बात की। ऑल्सो इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय द बुक, सो जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है vbk.in है, संकल्प कांचिया डॉट इन है, वहां से आप ऑर्डर कर लो, इट विल बी क्विकली डिलीवर्ड। एंड यार लेट्स गेट दिस थिंग डन एंड डस्टेड दिस टाइम, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, करना ही है अपने को, बस एक एक, एक बोलते हैं ना पुश की जरूरत रहती है अपने को, याद नहीं रहता है कई बार फॉर्मूलाज एंड एंड तक, दैट्स द रीजन दिस चैप्टर दिस रिविजन इज देयर। फटाफट आप लोग को चीजें रिवाइज भी करवा दूंगा जितनी बार आप लोग सुनोगे, एंड देन फिर बाद में एक आदत बना लेना, मतलब कि भाई खाते टाइम या फिर बाद में यू नो कहीं पे बाहर ट्रैवल कर रहे हो तब तो आप लोग का लेक्चर सुन रहे हो, मेक इट दैट हैबिट एंड इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल टू यू। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। सो म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नेट एसेट वैल्यू, वैसे नैव पर यूनिट इज द अमाउंट जिसके ऊपर ट्रेडिंग होता है म्यूचुअल फंड का। अगर आपको खरीदना है कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड एट अ नैव पर यूनिट खरीदते हैं एंड उसको बेचते भी वही प्राइस पे, तो नैव क्या होता है? सो देखो म्यूचुअल फंड का मेन काम क्या होता है, टू परचेज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज ऑन योर बिहाफ। तो आपने पैसा दिया है, ऐसे आप जैसे हजारों लोगों ने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है, तो ये जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट आया है म्यूचुअल फंड के, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट सिक्योरिटीज पॉसिबल, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने, उसका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द नेट एसेट वैल्यू। सो नेट एसेट वैल्यू का जो फॉर्मूला है इट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसका मार्केट वैल्यू इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, माइनस अगर कोई भी आपके अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, उससे आपको नैव पर यूनिट मिल जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा, म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करता है, कहां पे इन्वेस्ट करता है, तो देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स में कर सकता है, अदर इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बोला रियल एस्टेट या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो जहां पे भी इन्वेस्ट करेगा उसका याद रखना मार्केट वैल्यू लेना है नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। तो जब मैं इसका मार्केट वैल्यू अक्यूमुलेट कर लेता हूं, माइनस अगर कोई भी अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है वो कर दूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू बच जाता है दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। जब मैं डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी यूनिट होल्डर्स है उनके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे डिवाइड करता हूं, तो मुझे मिल जाता है नैव पर यूनिट। अब ध्यान से समझना बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिपीटेडली आस्क्ड, क्या कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट। तो नैव पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी ने उन सब का मार्केट वैल्यू, जो इक्विटी शेयर्स है तो उसका जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है वो, प्लस अगर कोई इक्विटी शेयर कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो कहना इसे वो भी आपको एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी मिल गया है तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा डिबेंचर्स है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट प्लस उसका जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। उसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस रियल एस्टेट का मार्केट वैल्यू प्लस एनी रेसिडुअल इनकम, कोई रेंटल इनकम या ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, ऑल ऑफ दैट एडेड टूगेदर विल गिव यू द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नैव। अदर अक्रूड इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ एनी अदर एसेट्स, ये सारी चीजें। तो देखो आज मैंने कोई पर्टिकुलर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए पर इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट किया और कल उठ के वो हो गया 1,500, तो ये जो 500 रुपीज का कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है ना, दैट विल ऑल्सो बी एडेड इन कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्ट में आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये हिडन एडजस्टमेंट जैसे, आगे मैं इसका और एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम लोग को विच विल मेक थिंग्स क्लियर। तो ये सारी चीजें याद रखना, कैश भी जो आपके पास सब पड़ा है वो सारी चीजें ऐड करके बनेगा आपका नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। उसमें से अगर कोई भी आपके एक्सपेंसेस है, जैसे कि इधर दिख रहा है आपको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर पेबल, जैसे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है देन इन दैट केस उसका भी ऑफिस होगा, उसके ऑफिस का रेंट का आपको पेमेंट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडमिन, मार्केटिंग, ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये लेस हो जाएंगे बिकॉज ये अब आपके खर्चे उतना इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, जो बच गया नेट एसेट वैल्यू।
डिवाइड बाय जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स करता हूं तो मुझे नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट मिल जाता है। आई होप यू आर क्लियर। अब ये देखो इधर अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ लाइन पढ़ना हो तो देखो गाइस, अगर आप लोग के पास मैजिक बुक है देन इन दैट केस अभी का अभी मेरे साथ साथ ही कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ पॉइंट्स नोट करना है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास नहीं है ऑर्डर कर देना, सो दैट व्हेन यू गेट इट यू कैन वॉच एंड यू कैन डू योर मार्किंग अकॉर्डिंगली। प्राइस और वैल्यू ऑफ एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एच विट इट इज परचेस्ड और सोल्ड एज वेल। इस नेट एसेट वैल्यू से आपको पता चलता है परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि जितना ज्यादा उसका नैव उतना उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा और उतना उसने अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड है। अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड इन द फंड इज केप्ट इन कैश। तो कई बार समझो कंपनी को कुछ रिडेम्पशन करना है, तो समझो आपने एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी आपने यूनिट्स इशू किए। अब जब आपने यूनिट्स इशू किए तो कुछ यूनिट होल्डर्स होंगे जो रिडीम करने भी आएंगे। रिडीम करने आएंगे मतलब वो बोलेंगे हमारे को हमारा म्यूचुअल फंड का यूनिट बेचना है, आप हमारे को पैसा दे दो। तो उसके लिए कंपनी के पास भी तो कुछ कैश बैलेंस होना चाहिए ना, तो इसके लिए कई बार कंपनी कैश बैलेंस रखती है विच इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो एड हो जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द नेट एसेट वैल्यू। ऑलराइट, इन केस ऑफ डेट पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अक्रू इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड कंपनी है जो डेट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स होगा उस कंपनी के पास, तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ध्यान रखना, इंटरेस्ट अक्रूड विल ऑल्सो बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ योर नेट एसेट वैल्यू। दिस एडजस्टमेंट इज डन वेदर मेंशन्ड और नॉट इन द क्वेश्चन। डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारा का सारा किस पे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बारीक से बारीक चीज मैंने ट्राई किया है यहाँ पे लिखने के लिए, सो दैट एग्जाम में कोई भी छोटी मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद में देखो एक नीचे से नोट लिखा है, एज पर ICAI टेक फोर डेसिमल्स वाइल कैलकुलेटिंग नैव पर यूनिट एंड टू डेसिमल्स वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका आया 10 लाख रुपीज का नेट एसेट वैल्यू माइनस 1 लाख रुपीज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अक्रूड एक्सपेंसेस, तो 9 लाख हुआ। डिवाइड बाय से नंबर ऑफ यूनिट्स है 75,000। अब अगर 9 लाख डिवाइड बाय 75,000 मैं करता हूं तो इट विल बी 9 लाख डिवाइड बाय 75,000 विल बी 12। तो 75,000 क्यों करूं, 77,000 करता हूं, तो 9 लाख डिवाइड बाय 77,000 में करता हूं तो पॉइंट में आता है, तो 11.6883। तो यहाँ पे क्या बोलता है, टेक फोर डेसिमल्स वाइल कैलकुलेटिंग नैव पर यूनिट, तो 11.6883 ले लो, ठीक है। ICAI कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में 2 डेसिमल भी लिया है, 3 भी लिया है, 4 मतलब एकदम बेस्ट अपन सिक्योर हो गए। एंड 2 डेसिमल्स वाइल कैलकुलेटिंग यूनिट्स एंड रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना हो तो फिर आप यहाँ पे 2 डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हो। ये कब होगा, तो से फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आपने बोला 1 लाख रुपए मेरे को एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप गए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास और बोला भाई मेरे पास 1 लाख रुपए, चल मुझे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड दे, तो वो बोलेगा आपको कि सर मेरी कंपनी का अभी जो नैव है ना वो चल रहा है 12 रुपीज। तो अपन क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 12 पर यूनिट का नया चल रहा है, तो अपने को 8,333.33 2 डेसिमल तक लेने का उतने यूनिट्स मिल जाएंगे। आई होप वी आर क्लियर। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज कैलकुलेशन ऑफ नैव वर्क्स विद। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा पता है क्या, आगे कंपनी बहुत सारे और यूनिट्स इशू करेगी, तो जब कंपनी ने यूनिट्स इशू किए तो उसके पास पैसा आएगा एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो रिडीम करेंगे अपने यूनिट्स को, तो पैसा जाएगा भी, तो उसका यहां पे क्या इंपैक्ट होगा वो अब मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि 2 इंपैक्ट होगा, एक तो आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है वो तो है ही, साथ में जो आपके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है क्या नहीं से वो भी तो एड और लेस होंगे। सो वो दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखना इधर, इन एन ओपन एंडेड फंड द एडिशनल यूनिट्स आर सब्सक्राइब्ड और रिडीम्ड ऑन डेली बेसिस। तो आपको क्या करना है, देखो सेबी को है ना नैव पर यूनिट आपको डेली बेसिस पे देना है, तो से आपने जो लास्ट कल जो आपने नैव दिया हुआ है वो क्या बेसिस पे होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग कैश। तो समझो आज मैंने ये पूरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पढ़ लिया सर के पास एंड मैं नैव कैलकुलेट करना सीख गया, आज मैंने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब जब नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूंगा वापस से नैव कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑलरेडी लास्ट डे का नैव के बेसिस पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, प्लस जो भी ये आज एक दिन में कोई रिसीवेबल अगर मुझे मिला है, कोई अक्रूड इनकम आया है, प्लस यहां पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान देना, यूनिट्स इशूड इनटू नैव पर यूनिट। तो अगर मैंने यूनिट्स इशू करके कोई पैसा मिला है यहां पे वो ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, लेस यूनिट्स रिडीम्ड इनटू नैव
पर यूनिट। तो अगर किसी को मैंने यूनिट्स रिडीम किया है तो उतना माइनस हो जाएगा, वो सब बच के जो आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज करेक्ट नैव बेस्ड ऑन टुडे। इसमें भी अगर कोई डेली बेसिस पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज या अक्रूड एक्सपेंसेस आया वो आपको लेस कर देना है। अब जो मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैं करता हूं, तो कल के जो मेरे यूनिट्स थे वो ओपनिंग यूनिट्स हो जाएंगे, प्लस जो मैंने ये बार आज यूनिट्स इशू किए हैं तो उतने यूनिट्स बढ़ जाएंगे। बट कुछ यूनिट्स मैंने रिडीम किए हैं जो मेरे पास सेल करने के लिए लेकर आए थे, उतने लेस हो जाएंगे एंड दैट विल बी योर क्लोजिंग यूनिट, जिससे आप डिवाइड कर दोगे आपके नैव को। एंड दैट इज वेयर अगर एडिशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे कुछ भी आप एड लेस कर रहे हो दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। फिर बाद में थर्ड चीज इसी को कंटिन्यूएशन करता हो तो ओपनिंग नैव करके क्या होगा, तो समझो आज मेरे को नैव कैलकुलेट करना है तो कल का जो नैव है दैट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग नैव, एड डिविडेंड रिसीव्ड, एड इंटरेस्ट रिसीव्ड, एड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन। सो आज के दिन में अगर कोई भी डिविडेंड इंटरेस्ट पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हुआ है तो मैंने क्या बोला था, कल जो मेरा इक्विटी शेयर्स का प्राइस था जिसपे क्लोज हुआ है आज समझो प्राइस बढ़ गया, कम भी हो सकता है, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोथ कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। एड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, मनी रिसीव्ड ऑन न्यू यूनिट्स, मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, लेस एक्सपेंसेस इंकर्ड, ये सारी के सारी चीजें एड लेस ऑन अ डेली बेसिस होगी। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करोगे तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस इंकर्ड या कैपिटल और कैपिटल गेन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आपकी कंपनी को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है देन इन दैट केस कहना इसे वो तो मेरे नैव से माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे जेब से पैसा जा रहा है तो जितना भी मैंने कैपिटल गेन या डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है उतना पार्ट मेरा माइनस हो जाएगा। फाइनली जो बच गया दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग नैव डिवाइड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग में जो कल मेरे थे उसमें जो मैंने आज नए इशू किए लेस यूनिट्स रिडीम किए, तब जाके मेरे को टोटल आज का क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा। एंड दैट इज हाउ डेली बेसिस पे अगर मेरे को नैव कैलकुलेट करना है तो आप पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 को प्रॉपरली फॉलो कर लोगे, यू विल गेट इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो अब कल मेरे पास जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस था वो मैंने इधर लिख दिया। अब हो सकता है कि कल मेरा हुई ना, आज ही मैंने फर्स्ट डे पे कोई म्यूचुअल फंड का मैंने स्कीम स्टार्ट किया हो, तो जो भी मेरे पास कैश बैलेंस बचा है कहां से बचेगा, मैंने जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए एट वॉट एवर नैव एप्लीकेबल, तो जितना भी मेरे पास कैश आया उसमें से मैंने जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें से मैंने जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया वो पैसा गया, तो जो बच गया दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैश बैलेंस। और इसका देखो रेफरेंस क्वेश्चन मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको भी आप हाथों हाथ अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे समझ जाएगा आपको। सो कैश रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स, कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यूड इनटू नैव पर यूनिट लेस अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ हो, इन्वेस्टमेंट किया आपने टू परचेज फाइनेंशियल एसेट, वो सारी चीजें यहां पे आपकी माइनस हो जाएगी। एंड देन फिर बाद में आपको एड करना है क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपके ओपनिंग कैश बैलेंस के बाद कोई नए यूनिट इशू हुए तो आपके पास पैसा आया एड कर दो, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम रिसीव हुई एड कर दो, लेस अगर कोई सिक्योरिटीज परचेज किया है लेस कर दो, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है डिविडेंड का देन ऑल ऑफ दैट विल बी रिड्यूस। जो बच गया दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैश बैलेंस टू बी एडेड इन द नैव कैलक्युलेशन। समझू एवरीबॉडी, सो दिस इज हाउ द कैश इज कैलकुलेटेड। तो देखो यहां पे कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है, इनफ्लोज रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड, तो जो भी आपने न्यू यूनिट्स इशू किया है लेस इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया है तो ये कैश बैलेंस है टू बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नैव। तो देखो क्या होगा पता है क्या, कभी कभी आपको वो इतना सिंपल सा चीज दे देगा कि भाई देखो हमने नया यूनिट्स इशू किया है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो बच गया वो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। कभी कभी वो आपको बहुत सारी चीजें देगा कि भाई देखो हमने नया यूनिट्स इशू किया था उसमें से कुछ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उतना माइनस हो जाएगा, उसी दिन पे मुझे कुछ नया इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला तो मेरे कैश बढ़ गया एड हो जाएगा, और मैंने अगर कोई और नया सिक्योरिटीज परचेस किया तो उतना कैश माइनस हो जाएगा। ऑल इन ऑल सब मिला के ये जो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। सो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अभी कनेक्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
आप लोग अभी कर सकते हो या फिर मेरा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। एंड एंड टाइम परमिटिंग मैं मास्टर सम्स जो है उसका भी अलग से सेशन प्लान कर रहा हूं, सो तब आप मेरे साथ कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। डिविडेंड ट्रीटमेंट इन बिलो टू केसेस, देखो ये है ना एक नोट के जैसा है, कई बार स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी को जो डिविडेंड मिलता है और दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनी जो डिविडेंड देती है। म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड कब मिलेगा? जब म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उस कंपनी ने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलेगा। सो इट इज लाइक एडिंग टू द नेट एसेट वैल्यू, बराबर। बट कई बार म्यूचुअल फंड कंपनी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने यूनिट होल्डर्स को, दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द नेट एसेट वैल्यू। ध्यान में रखना, कोई इसकी वजह से गलती ना हो। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डिविडेंड इज इक्वल टू इनफ्लो टू म्यूचुअल फंड, इनकम पार्ट ऑफ नैव एडेड टू द कैलकुलेशन ऑफ नैव। बट जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड दे रही है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड इट इज लाइक एन आउटफ्लो डिडक्टेड फ्रॉम नैव ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एडेड टू द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर। समझ गए एवरीबॉडी? यस सर। अब देखो रिटर्न्स में फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या क्या, बोलो को म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर उसको क्या क्या रिटर्न मिलता है? एक डिविडेंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, राइट। सो से फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो एज अ यूनिट होल्डर मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी से इज माय इनकम। दूसरा कैपिटल गेन डिसबर्समेंट, दिस इज लाइक अ डिविडेंड ओनली। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने एक एक्स कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे 150 रुपीज में और अब उस इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया है 250, तो अगर ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने जिसने 150 में खरीदे थे अब वो 250 में बेच देगी जाके मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को 100 रुपीज का कैपिटल गेन हुआ। वो कैपिटल गेन अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्वेस्टर को तो इट इज अ इनकम फॉर अस, कैपिटल गेन डिसबर्समेंट। एंड थर्ड है चेंजेस इन द फंड्स नैव। तो मैंने जब इन्वेस्ट किया था तब फंड का नैव था ₹12, आज फंड का नैव हो गया है ₹16, तो ₹4 जो मुझे मिला है ना, दैट बेसिकली इज ऑल्सो अ रिटर्न। मैं आपको बताता हूं, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था उसके इमीडिएटली बाद मेरे को जेपी मॉर्गन में जॉब मिला, तो पहली सैलरी अब सीधा 75,000 80,000 आ रहे, तो करे क्या इतने पैसे का, तो इन्वेस्ट करना चालू किया म्यूचुअल फंड में। वो टाइम पे मैंने जो म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आज 10 साल से ज्यादा के बाद बॉस उस कंपनीज का नैव इतना बढ़ चुका है ना, क्या ही बताओ। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो अब देखो इधर, तो जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर को तीन तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, क्या? डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन या चेंज इन फंड्स नैव, क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव। ये तीन तरह के जो रिटर्न है, ये रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड दूसरा होता है एनुअलाइज्ड पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब बताता हूं, से मैंने आपको क्या बोला अभी, मैं इमीडिएटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बना उसके बाद जो फर्स्ट सैलरी आया उसको मैंने घर वालों के लिए यूज किया एंड एवरीथिंग, उसके बाद जो सैलरी आया ना मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। वो टाइम पे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस टाइम का उसका नैव था ₹15। आज 10 साल बाद उसका नैव हो गया है ₹250। तो ये जो 15 से 250 हुआ, कैन आई से ये मेरा रिटर्न है? करेक्ट। बट ये आज एक साल का, दो साल का रिटर्न है क्या? सर ये तो 10 साल का रिटर्न है। तो कोई भी पीरियड का रिटर्न होना उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला, 10 साल का रिटर्न है। आज से फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा लेक्चर सुना और लेक्चर सुनते ही आपने बोला चल यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, से उसका नैव है ₹20। आप 3 महीने बाद एग्जाम देने वाले हो तो आपने आज ₹20 में नैव पे इन्वेस्ट कर दिया, 20,000 रुपए, 1,000 यूनिट्स खरीद लिए। अब जब आपका एग्जाम खत्म हुआ तो आपने देखा कि उसका नैव हो गया 25, तो कहना ही से अब आप ₹25 में उसको बेच दोगे, तो 20 में खरीदा था, आज से कोई भी मंथ ले लो, से फरवरी ले लो या कोई भी मंथ ले लो, और से मई का एग्जाम के बाद आपने वो जो भी आपके म्यूचुअल फंड है उसको बेच दिया, तो फरवरी में खरीदा और मई में बेचा, तो कहने से फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने में आपने ₹20 का, ₹25, तो ₹5 का रिटर्न कमाया। दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर 4 मंथ्स।
मेरे जैसा आदमी जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर 10 ईयर्स. तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैन बी फॉर 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, इट कैन बी एनीथिंग. सो जो भी ड्यूरेशन का आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, विच इज कैलकुलेटेड एज नैव एट द एंड माइनस नैव एट द बिगिनिंग. बराबर है. प्लस अगर इस बीच में क्या मुझे कोई डिविडेंड मिला, अरे कितना सारा डिविडेंड मिला. क्या मुझे कोई कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अरे कितना सारा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. तो ये सारा मेरा इनकम ही तो है. ठीक, बराबर ना. तो नैव एट द बिगिनिंग मैंने 12 रुपए में खरीदा था, आज उसका वैल्यू हो गया 250. तो 250 में मैं बेच सकता हूं, तो 250 माइनस 12 वो तो मेरा 238 का बैठा बैठा रिटर्न है. प्लस इस बीच में मुझे 10 रुपए का डिविडेंड मिला, मुझे 5 रुपए का कैपिटल गेन मिला, ये सब भी मेरा रिटर्न है, डिवाइड बाय नैव एट द बिगनिंग. बट हो सकता है कि आप मेरे को बोलो कि ठीक है सर, आपको 10 साल में 12 रुपए का 250 हो गया. बट हमको पता करना है कि सर आपको ये 10 साल में एनुअल एवरेज एनुअल रिटर्न आपका कितना आया है, वो अगर हमको पता करना है, देन इन दैट केस जो ये मेरा एचपीआर है मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स डिवाइड बाय द गिवन नंबर ऑफ मंथ्स, या अगर इयर्स हुआ तो मल्टीप्लाई बाय, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 10 साल हो गया तो 10 साल इज इक्वल टू 120 मंथ्स. सो 12 मंथ्स डिवाइड बाय 120 मंथ्स. या जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इनटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4 मंथ्स हो जाएगा. तो जो भी गिवन मंथ्स है उससे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई ऊपर वाला 12 मंथ्स, 365 डेज, 52 वीक्स वही रखोगे, डिवाइड बाय जो आपका गिवन ड्यूरेशन होगा, उससे आपको मिल जाएगा एनुअलाइज्ड रिटर्न. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू द इन्वेस्टर. उसके बाद में आ जाते हैं अपन लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड फंड्स. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आज की तारीख में 90 से 95% फंड्स आर ओपन एंडेड फंड्स. सो क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, आप खाली एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में, विच इज कॉल्ड एज न्यू फंड ऑफर, तो उसका जो पीरियड होता है 10-15 दिन का, वही टाइम पे आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो म्यूचुअल फंड यूनिट से. उसके बाद अगर आपको परचेस या सेल करना है, देन इन दैट केस आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर ही आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड फंड. बट ओपन एंडेड फंड में क्या होता है, बिंदास, कभी भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाओ परचेस करने के लिए, कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाओ सेल करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब ऐसे सिचुएशन में ओपन एंडेड फंड में तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हो, तो नैव पे परचेस करोगे, नैव पे सेल करोगे. बट इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड, जैसे ही वो एनएफओ पीरियड 10-15 दिन का खत्म हो जाता है, फिर 2-3 साल का लॉक इन पीरियड हो गया. अभी इस 2-3 साल के पीरियड के अंदर आपको बाइंग या सेलिंग करना है क्लोज एंडेड फंड का, तो आप कहां से करोगे, तो आप स्टॉक मार्केट से करोगे. एंड स्टॉक मार्केट से जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो या सेल करते हो, इट इज डन एट मार्केट प्राइस. सो क्लोज एंडेड फंड आर इशू ड्यूरिंग द एनएफओ बट लेटर ऑन ऑलवेज ट्रेडेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑन सेकेंडरी मार्केट. जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय या सेल कर रहे हो ना, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. जब आप स्टॉक एक्सचेंज से कुछ बाय या सेल कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मार्केट. तो सेकेंडरी मार्केट से अब देखो, उस कंपनी का से कोई क्लोज एंडेड फंड है, ध्यान से सुनना, क्लोज एंडेड फंड है, उस कंपनी का नैव है 12 रुपया, उस कंपनी का मार्केट प्राइस है 14 रुपया 14 रुपीज. आप मेरे को एकदम सीरियसली बताओ कि ये कंपनी, तो जो भी परचेज एंड सेल होगा ना क्लोज एंडेड फंड का, दैट विल ऑलवेज बी एट द मार्केट प्राइस. एंड याद रखना, बेस कभी भी नैव होता है. तो से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसका नैव है 12, बट मार्केट में वो 14 रुपीज में इट इज बीइंग ट्रेडेड, तो मतलब दैट म्यूचुअल फंड यूनिट इज बीइंग परचेस्ड एंड सोल्ड एट प्रीमियम. एंड अगर आपका नैव है 12 बट मार्केट में 9 में चल रहा है, दैट मींस इट इज बीइंग ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट. डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन नैव बेसिस. तो नैव को बेस ले लिया, फिर देखो मार्केट प्राइस ज्यादा है, प्रीमियम कम है, डिस्काउंट, समझे क्या. एंड क्लोज एंडेड फंड्स का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, सेल प्राइस विच इज द मार्केट प्राइस एट स्टॉक मार्केट माइनस जितने में आपने परचेस किया था, प्लस अगर आपको बीच में कोई डिविडेंड मिला है तो डिवाइड बाय द परचेस प्राइस. इफ, याद रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट इज सेम, देन कैलकुलेशन शुड बी ऑन पर यूनिट बेसिस. However, if number of units of opening and closing are different, then always on totality basis. तो ध्यान में रखना ये बात कि देखो यहाँ पे मालूम है अपन लोग ने किया नैव एट द बिगनिंग, नैव एट द एंड, तो ये पर यूनिट बेसिस पे आप कर सकते हो अगर नंबर ऑफ यूनिट स्टार्ट में और नंबर ऑफ यूनिट एंड में सेम है. बट अगर नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहे हैं, देन इन दैट केस नैव पर यूनिट एट बिगनिंग, नैव पर यूनिट एट एंड मत करना, डू इट इन टोटैलिटी. मतलब नैव पर यूनिट एट एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एट एंड
माइनस नैव पर यूनिट एट बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एट बिगनिंग, उस हिसाब से आपको पूरा ये कैलकुलेशन करना है. सो ध्यान में रखना, इफ नंबर ऑफ यूनिट सेम तो पर यूनिट बेसिस पे चलेगा, अदरवाइज डू इट ऑन टोटलिटी बेसिस. मैं तो बोलता हूं बाई डिफॉल्ट टेंशन नहीं चाहिए. सो दिस अबाउट योर क्लोज एंडेड फंड्स. ये जो नोट है ये एक जनरल नोट है जो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो. मूविंग ऑन, नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक होता है ग्रोथ स्कीम वाला, दूसरा होता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट वाला, और होता है डिविडेंड पे आउट वाला, और एक बोनस भी होता है वो भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा. अब ये जो ग्रोथ, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, अगेन इसको कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन 4 है आप लोगों को आगे मास्टर सम, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो इफ ग्रोथ स्कीम, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड डिविडेंड पे आउट, ये जो तीन स्कीम है इसमें से आपने जहां पे भी इन्वेस्ट किया है दैट विल डिटरमाइन कि आपका नैव डिविडेंड पर यूनिट आपको कैसे मिलने वाला है. तो जो ग्रोथ स्कीम है दैट इज वेरी क्लियर, इट डज नॉट गिव एनी डिविडेंड एट ऑल. तो क्या कोई डिविडेंड रिसीव होता है? नो, नॉट एट ऑल. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में क्या होता है बताए? डिविडेंड रिसीव होता है बट इमीडिएटली इट इज रीइन्वेस्टमेंट एट द रीइन्वेस्टेड एट द प्रीवेलिंग नैव. तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आई राइट हियर, यस डिविडेंड आपको मिलेगा, बट उसके सामने आपको एडिशनल यूनिट्स इश्यू कर दिया जाएगा. एंड डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में आपको सीधा डिविडेंड मिलेगा, कोई एडिशनल यूनिट्स नहीं मिलेगा. सो दैट इज द की पॉइंट. ग्रोथ में डिविडेंड मिलने ही नहीं वाला है तो एडिशनल यूनिट्स का सवाल ही नहीं है. नो नो, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में डिविडेंड मिलेगा बट इट विल बी रीइन्वेस्टेड एंड न्यू एडिशनल यूनिट्स आर गिवन एट द प्रीवेलिंग नैव. डिविडेंड पे आउट में बहुत क्लियर है, डिविडेंड मिल गया, टाटा बाय बाय, नो एडिशनल यूनिट्स एट ऑल. क्या ग्रोथ में नैव चेंज होता है? नो, इट विल रिमेन द सेम. In case of dividend reinvestment, it declines to the extent of dividend. So, say for example, 15 rupees ka NAV chal raha hai, growth scheme ka. Ab growth scheme ne 15 rupees ka NAV chal raha hai, koi dividend diya hi nahi, to jo NAV hai, wohi rahega. Dividend reinvestment ka NAV chal raha hai 15, usme se wo dividend deta hai 2 rupay ka per unit. To 2 rupay ka dividend diya, to 15 minus 2 rupay ka dividend distributed, to 13 rupees ho jayega. Dividend payout mein bhi, 15 rupees ka NAV chal raha hai, 2 rupay ka dividend diya, to utna minus ho jayega, to 13 rupees ka ho jayega. To kya NAV change hota hai? Growth mein, no. Dividend reinvestment mein, yes, declines to the extent of dividend. Dividend payout mein declines to the extent of dividend. Aur ye jo reduce hoke, jo bhi aapka NAV hai, इसी नैव के ऊपर रीइन्वेस्ट कर देते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान वाले. समझ गए? वैल्यू ऑफ होल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर डिविडेंड, इसमें कोई चेंज नहीं है. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज जो भी आपके यूनिट्स है आप उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हो एट द प्रीवेलिंग नैव. बट डिविडेंड पे आउट में आपका नैव डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्टर ने ले लिया, बस घर पे गया वो, टाटा बाय बाय. बट डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में उसको डिविडेंड मिला बट उसने वापस रीइन्वेस्ट कर दिया, तो इसके लिए नैव वापस से इट विल कम एट दैट लेवल. तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे देख लेना फटाफट, तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी. इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं 50,000 रुपीज का ग्रोथ स्कीम में, तो अगर ये इधर 15 पर यूनिट आया, म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स डिविडेंड एट द रेट रुपीज 2 पर यूनिट. अब मेरे को बताओ क्या ग्रोथ स्कीम में डिविडेंड मिलता है क्या? नो. तो क्या उसका नैव पोस्ट डिविडेंड चेंज हो गया क्या? नो. 15 था, अभी भी 15 है, न्यू नैव 15 इंटू 5,000 यूनिट 75,000. सबसे क्रूशियल है मेरा डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में देखो क्या होगा, 50,000 इन्वेस्टमेंट 10 पर यूनिट, तो 5,000 यूनिट्स मिला, 15 का नैव हो गया, अब 2 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 13 का नैव हो गया. बट दिस 10,000 रुपीज जो डिविडेंड मिला इज रीइन्वेस्टेड एट दिस प्रीवेलिंग नैव विच इज 13, तो 769.23 नया यूनिट्स मिला विच इज देन मल्टीप्लाइड बाय द प्रीवेलिंग नैव 13, तो आपको मिल जाएगा 75,000. ये देखो इधर लिखा है, इसके लिए वैल्यू ऑफ होल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर डिविडेंड इन केस ऑफ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान डज नॉट चेंज, एंड इन केस ऑफ डिविडेंड पे आउट, जो भी आपका डिविडेंड है वो आपको मिल गया, उतना नैव का वैल्यू कम हो जाएगा. सो दिस इज हाउ दीज थ्री थिंग्स आर. कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को बता देता हूं यहाँ पे. नैव यूनिट्स विल बी सेम फॉर डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट. क्यों? क्योंकि जो भी आपका जो नैव पर यूनिट है वो नैव पर यूनिट है वो 15 था, अब 2 रुपए का डिविडेंड दे दिया तो 13 हो गया. सो नैव पर यूनिट डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में सेम रहता है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी सेम फॉर ग्रोथ एंड डिविडेंड पे आउट. क्योंकि यहां पे
डिविडेंड मिल गया आपको, डिविडेंड पे आउट में बस हो गया, आप टेंशन फ्री। ग्रोथ में आपको डिविडेंड मिला ही नहीं, बट नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है, जो ओरिजिनली था अभी भी वही है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में खाली जो डिविडेंड मिला उसको री इन्वेस्ट करके एडिशनल यूनिट्स मिल जाता है, समझू एवरीबॉडी। इफ द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू शो अपवर्ड ट्रेंड तो अपन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, एंड इफ द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू शो डाउनवर्ड ट्रेंड तो फिर आप डिविडेंड ले लो, क्योंकि अभी डिविडेंड ले लो क्योंकि बाद में मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो गिर जाएगा, तो सच है कि अभी डिविडेंड लेके घर पे ऐश करो। चलो एनीवेज, नाउ इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल है, एंड ये जो दो एग्जांपल है ये दोनों के दोनों ICAI के अप्रोच के बेसिस पे है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ICAI का मॉड्यूल, उसका मैंने यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ले लिया है, तो साथ साथ में फटाफट आप लोग के साथ डिस्कस हो जाएगा। देखो ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मेट मैंने आपको यहां पे दे दिया है, और साथ में ICAI के सम के थ्रू अपन लोग इसको समझ भी ले, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान आपका हो जाएगा और बोनस प्लान भी हो जाएगा। एग्जांपल को देखते हैं, आइए। मिस्टर एक्स परचेजेस 10,000 यूनिट्स एट द रेट नैव रुपीज 10, तो नैव 10 पर यूनिट और ओपनिंग अपना वैल्यू आ जाता है 1,00,000 रुपए। बोला है बाद में वो लोग ने कि डिविडेंड 20% और 40% दिया है। अब अपना मेरा से फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग है 10,000 का, क्लोजिंग यूनिट्स 10,000 यूनिट्स, अब डिविडेंड दिया है 20%। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये अपन लोग ने आज ही पढ़ लिया था। ये देखो यहाँ पे किधर गया, हाँ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। सो अब मेरा 10 रुपीज का जो डिविडेंड है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 20% का डिविडेंड है, तो 2 रुपीज इज द डिविडेंड दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो 10,000 यूनिट्स है मेरे पास ओपनिंग में, मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 रुपीज का मेरे को टोटल डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, उसको मैं रीइन्वेस्ट कर दूंगा, क्या प्राइस पे रीइन्वेस्ट कर दूंगा, जो भी मेरा प्रीवेलिंग नैव होगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 दिया है, तो प्रीवेलिंग नैव 12 पे, तो 20,000 डिवाइड बाय 12, 1,666.67 यूनिट्स इज व्हाट वी विल गेट। टोटल आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स था पहले 10,000, अब 1,666.67 यूनिट्स एड हो गए, तो टोटल आपके पास आ गया 11,667 यूनिट्स। ये चीज कहानी को और आगे बढ़ाएगी। अब मेरे पास 11,667 यूनिट्स है और उन्होंने बोला है डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट 40% ऑफ 10 व्हिच इज 4 रुपीज, तो 11,667 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे को टोटल डिविडेंड मिल जाएगा व्हिच इज रीइन्वेस्टेड एट द प्रीवेलिंग नैव व्हिच इज 15, एंड यहां पे मेरे पास टोटल क्लोजिंग नैव आ जाएगा। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो आई होप वी आर क्लियर। फिर बाद में आता है बोनस प्लान। बोनस प्लान वेरी इजी, अगेन यहाँ पे मेरे पास जो ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है वो मैंने इधर लिख लिया, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्टिंग में तो वही 10,000 यूनिट्स है। अब मेरा बोनस दिया है 5:4, 5:4 का इंटरप्रिटेशन समझना, 5 यूनिट्स आपको बोनस मिलेगा फॉर 4 यूनिट्स हेल्प। सो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 है मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय फोर, तो जो भी आपको रेशियो दिया है उसको आप प्रीवेलिंग नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो। 5:4 का अगर रेशियो है तो इंटू 5 बाय 4, 1:3 का रेशियो है तो इंटू 1 बाय 3, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपको कितने एडिशनल यूनिट्स मिले। तो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, कैन आई से 12,500 यूनिट्स आपको बोनस में मिल गए। पहले आपके पास 10,000 से टोटल आ गया 22,500, ये 22,500 को मैंने फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड किया। फिर बाद में क्या बोला है, देखो 1 यूनिट बोनस फॉर 3 यूनिट सेल, क्यों, क्योंकि 1:3 का है तो मल्टीप्लाई बाय 1:3 करो, तो 22,500 इंटू 1/3 करोगे तो 7,500 यूनिट्स आ जाएगा, दैट इज योर बोनस यूनिट्स 22,500 प्लस 7,500, मेरे को मिल गया यहां पे 30,000 यूनिट्स। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये था मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर्मेट याद रख लो, फॉर्मेट यही फॉलो करना है, क्या डेट ओपनिंग यूनिट्स डिविडेंड टोटल डिविडेंड प्रीवेलिंग नैव, तो उसे डिवाइड करोगे तो आपको न्यू यूनिट्स और इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा क्लोजिंग। एंड यहाँ पे जहां तक मेरा बोनस का सवाल है, डेट ओपनिंग जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है, बोनस रेशियो में कितने आपको यूनिट्स मिले, एडिशनल यूनिट्स आपको जो भी मिल रहे हैं उसको एड करके आपको मिल जाता है क्लोजिंग यूनिट्स। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग रिटर्न कैलकुलेशन के ऊपर। दिस इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, जहां पे भी आपका डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपके ओरिजिनल जो यूनिट्स थे एड होते गए, जो भी आपको डिविडेंड मिला रीइन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ यूनिट्स एड हो गए, जो भी और डिविडेंड मिला रीइन्वेस्ट किया और नंबर ऑफ यूनिट्स एड हो गए। वैसे ही सेम वे मेरे बोनस यूनिट्स है, बोनस यूनिट्स मेरे भी जितने भी थे मेरे को बोनस मिला, नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड हो गए, तो अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड होते गए साथ में मेरा नैव बढ़ते गया, तो कहना है इसे मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो जो मेरा ओपनिंग का नैव था से 1,00,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, और अब जो मेरा क्लोजिंग नैव आ रहा होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पहले क्या था 10,000 यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट का नैव, अब मेरा नंबर ऑफ नैव हो गया होगा से
₹15 एंड मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए होंगे से 25,000. सो 25,000 इनटू मैं 15 करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रिटर्न अच्छा आ जाएगा. सो क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव जैसे ही मैं करता हूं आई विल गेट द टोटल रिटर्न्स, राइट. अब ये जो भी रिटर्न है इसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं. एक लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और दूसरा लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है दैट इज पेबल ऑन द सेल्स ऑन द रिडेम्पशन वैल्यू. मतलब अब आपके पास 25,000 यूनिट्स है एट द रेट 15 का नैव है तो 25,000 इनटू 15 जो भी आपका वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिडेम्पशन वैल्यू. क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोजिंग नैव पर यूनिट इज योर रिडेम्पशन वैल्यू. माइनस इसमें से आपको क्या माइनस करना है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन इसमें से आपको क्या माइनस करना है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. तो जैसे ही आपने ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस किया याद रखना ग्रॉस सेल्स वैल्यू से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस होता है एसटीटी परसेंटेज ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू. क्वेश्चन में दिया होगा एसटीटी परसेंटेज तो आपको मिल जाता है नेट अमाउंट रिसीव्ड. इसमें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माइनस करेंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको बोला था ना ₹10 पर यूनिट का नैव इंटू 10,000 यूनिट्स 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया. अब 15 पर यूनिट का नैव मल्टीप्लाई बाय से 25,000 हो गया तो जो भी डिफरेंस है कहना इसे वो आपका प्रॉफिट है. उसमें से जो आपने लास्ट एक साल के अंदर री इन्वेस्ट किया होगा ना उतने यूनिट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. जो बाकी के यूनिट्स है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड यूजुअली आप नोट्स में ऑब्जर्व करना वो लोग क्वेश्चन में देंगे इट इज एग्जेम्प्ट. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट हो गया. जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है. तो आपको देखना है लास्ट एक साल में कितने नए यूनिट्स आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की वजह से या बोनस के री इन्वेस्टमेंट की वजह से मिले. तो जितना भी एडिशनल यूनिट्स लास्ट एक साल में मिले उसके ऊपर आपने जो भी पैसा कमाया उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का परसेंटेज है वो अप्लाई कर लो. यू विल गेट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स परसेंटेज. समझ में आया तो बोल देना. तो ओनली ऑन यूनिट सोल्ड विद इन वन ईयर ऑफ रिडेम्पशन जितने भी यूनिट्स आपने सेल किए विद इन वन ईयर मल्टीप्लाई बाय क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस परचेज और री इन्वेस्टेड कॉस्ट पर यूनिट. सो आपका जो प्रीवियस री इन्वेस्टमेंट का आपका वैल्यू था माइनस जो भी आपका करंट ₹15 का वैल्यू चल रहा है सपोज 14 के ऊपर आपने डिविडेंड री इन्वेस्ट किया था. सो 15 माइनस 14 ₹1 का इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जब भी आपको जो एडिशनल यूनिट्स मिले थे मल्टीप्लाई बाय से 10% का अगर मेरा इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मल्टीप्लाई करोगे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिल जाएगा उतना माइनस कर दो माइनस जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है यू विल गेट द रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड. सो ध्यान रखना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो ग्रॉस वैल्यू है उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके हो जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लास्ट एक साल में जो भी आपने सेल किया है उसके ऊपर जो बेनिफिट मिल रहा है वो माइनस होके मिल जाएगा. मूविंग ऑन अब आ जाते हैं अपन लोग दो कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है रियलाइज एंड अनरियलाइज गेन्स इन म्यूचुअल फंड. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि यू कैन अ म्यूचुअल फंड कंपनी कैन गिव द डिविडेंड ओनली फ्रॉम द रियलाइज गेन्स. अब ये रियलाइज गेन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं. मैंने कोई इक्विटी शेयर खरीदा ₹100 में आज उसका वैल्यू हो गया है 150. अब जब तक मैं उसको मार्केट में बेच नहीं देता ना तब तक मेरे को वो गेन रियलाइज नहीं होगा. ठीक है. सो आज ₹100 है कल 150 है कल 125 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. तो जब मैं उसको बेचता हूं तब मेरे को वो गेन रियल में रियलाइज हो जाता है और वो जो रियलाइज हुआ है गेन उससे मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. बट इफ देर इज अनरियलाइज गेन मतलब मैंने ₹100 में कोई इक्विटी शेयर खरीदा है आज उसका वैल्यू हो गया 500 तो ₹400 जब तक मैं वो इक्विटी शेयर को बेचूंगा नहीं ना इट इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड गेन्स एंड अनरियलाइज्ड गेन से म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता. सो डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फ्रॉम द रियलाइज्ड गेन. तो कई बार आपको वो बोलेगा कि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी एट द रेट 80% ऑफ रियलाइज्ड गेन्स. तो आपको पता होना चाहिए रियलाइज गेन क्या है. जितना यूनिट्स आपने सेल कर दिया है जो खरीदा था उसमें से आपने जितना सेल कर दिया है तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है जो रियलाइज गेन हुआ है उसमें से 80% आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन अर्नड ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर या इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर और बॉन्ड यही सब आपके रियलाइज गेन है कि भाई जो मेरे को डिविडेंड मिल गया अगर मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो तो इन बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हो तो इंटरेस्ट जो मिल गया या कोई कैपिटल गेन अर्न हो गया ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इन्वेस्टमेंट इज माय
रियलाइज गेन। सर ये क्यों कैलकुलेट करना है? बिकॉज एज पर सेबी गाइडलाइंस अ म्यूचुअल फंड कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द यूनिट होल्डर्स फ्रॉम रियलाइज्ड एंड नॉट फ्रॉम अनरियलाइज्ड गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन्स क्या होता है? पोर्टफोलियो गेन विदाउट सेल ऑफ सिक्योरिटी इज अनरियलाइज्ड गेन्स। नो डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अनरियलाइज्ड गेन्स। समझो एवरीबॉडी। सो ये कॉन्सेप्ट था रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन्स का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो। देखो एक बात समझ लो, से आप लोग अगर कहीं पे आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप में आपको 10,000 रुपए का स्टाइपेंड आया। अब से आप आउट ऑफ बॉम्बे से कहीं पे आए हुए और बॉम्बे में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको रेंट का खर्चा लगेगा, खाने पीने का खर्चा लगेगा, कहीं पे भी आने जाने का खर्चा लगेगा। तो 10,000 रुपए आपको आर्टिकलशिप से स्टाइपेंड आया, उसमें से 4,000 रुपया रेंट, खाने पीने और ट्रेवलिंग में चले गया, तो आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है विद रिगार्ड्स टू द इनकम दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द आर्टिकलशिप स्टाइपेंड? कहना इसे 40%। 4,000 रुपए का खर्चा, 10,000 रुपए का आपका जो डिविडेंड बोल रहा हूं मैं, आर्टिकलशिप स्टाइपेंड मिल रहा है वो। सो कैन आई से 4,000 डिवाइड बाय 10,000, 40% इज व्हाट विल बी योर एक्सपेंस रेशियो। क्लियर? तो ये एक आर्टिकल क्लर्क के लिए एक्सपेंस रेशियो हो गया। वैसे ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी है तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितना इनकम कमाया, कितना पैसा कमाया और उस पैसे के सामने, हेलो, उस पैसे के सामने कितना उसका एक्सपेंस हुआ है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द एक्सपेंस रेशियो। कुछ कुछ क्वेश्चन में वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक्सपेंस रेशियो में फाइंड करें उसके पहले पता तो एक्सपेंस होता क्या है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेविड बाय म्यूचुअल फंड्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस। तो जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपका लग रहा है टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड वो सब आ जाएगा, इंक्लूड्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट फीस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एटसेट्रा। एक्सपेंस रेशियो में दो तरह के होते हैं भाई, एक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। सो मैनेजमेंट एक्सपेंस ऑफ म्यूचुअल फंड जो भी है डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पर यूनिट डिवाइड बाय एवरेज नैव पर यूनिट। तो जो भी आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है अक्यूमुलेट कर लो, डिवाइड बाय जो भी आपके एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है नैव वाला ही वो एड कर लो, डिवाइड सो मैनेजमेंट एक्सपेंसिस। तो मान लो आपने को आर्टिकलशिप में खर्चा करने के लिए अपने 4,000 के खर्चे हुए थे, रेंट का, ट्रैवलिंग का, ईटिंग का, ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जैसा है। 4,000 डिवाइड बाय जो भी अपने को आर्टिकलशिप से स्टाइपेंड आया 10,000, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो जो भी होगा, तो 4,000 डिवाइड बाय 10,000, 40%, या उसी को आप पर यूनिट बेसिस पे भी कर सकते हो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पर यूनिट। तो जो भी मैनेजमेंट एक्सपेंस आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी आपका नैव आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एवरेज नैव पर यूनिट के हिसाब से आप एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप वी आर क्लियर। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लोड इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो लोड इज लाइक अ कमीशन। तो म्यूचुअल फंड जब आप खरीदोगे या बेचोगे तो आपको एक कमीशन देना पड़ता है, वो म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लोड। सो कमीशन चार्ज्ड बाय ऑन सेल और परचेज ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज यूटिलाइज्ड टू पे द सेल्स इंटरमीडियरी लाइक फाइनेंशियल प्लानर, ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जैसे कि जो दलाल होता है उसको पे करने के लिए। अब होता है एंट्री लोड, फ्रंट एंड लोड। एंट्री कौन ले रहा है? इन्वेस्टर जब एंट्री ले रहा है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में उसको बोलते हैं एंट्री लोड, या उसको बोलते हैं फ्रंट एंड लोड। चार्ज्ड व्हेन म्यूचुअल फंड कंपनी सेल्स इट्स यूनिट्स टू द यूनिट होल्डर्स। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, जब इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एंट्री ले रहा है, तो जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में एंट्री ले रहे हो तो आप वो यूनिट्स को परचेस कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको वो यूनिट्स सेल कर रही है। चार्ज व्हेन म्यूचुअल फंड कंपनी सेल्स इट्स यूनिट्स टू द यूनिट होल्डर्स। इन्वेस्टर परचेजिंग, म्यूचुअल फंड कंपनी सेलिंग, एंट्री लोड। समझना कैसे इसको एंट्री लोड को? इन्वेस्टर एंटरिंग द कंपनी, ठीक है। अब आप एंटर कर रहे हो इसलिए एंट्री लोड लगता है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको यूनिट सेल कर रही है तो वो सेल कर रही है तो इट इज सेलिंग। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू नैव जो भी है प्लस वो आपके पास से कमीशन चार्ज करेगी, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड लोड, एंट्री लोड। नैव वन प्लस फ्रंट एंड लोड परसेंटेज सेल प्राइस। क्यों सेल प्राइस? क्योंकि वो लोग ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके एंगल से ये फॉर्मूला बनाया है। एंड दूसरे साइड पे देखो मेरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब करेक्ट, जब जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी को, कैसे एग्जिट करेगा वो? बाय सेलिंग द यूनिट्स। तो जब वो सेल कर रहा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस यूनिट्स को रीपर्चेज कर रहा है। चार्ज व्हेन म्यूचुअल फंड कंपनी परचेजेस इट्स यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट होल्डर्स। तो जब इन्वेस्टर अपना यूनिट सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी का रीपर्चेस प्राइस होगा। तो जो रीपर्चेस प्राइस होगा, ठीक है, उसमें वो बोलेगा कि सुन तेरा, मैं अभी तू मेरे को तेरा यूनिट बेच रहा है 15 रुपए में बेच रहा है, उसमें से 2 रुपया तेरा कमीशन काट के तेरे को दूंगा। तो जो रीपर्चेस प्राइस है 15,
उसमें से 2 रुपया कमीशन कट करके दूंगा। इसके लिए यहां पे होता है -1 माइनस बैकएंड लोड, क्योंकि आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो, म्यूचुअल फंड कंपनी सामने वाले को पैसा दे रही है यूनिट होल्डर को, तो वो काट के पैसा देगी, और जब लेना है तो वो ऐड करके कमीशन ऐड करके पैसा लेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऐड होता है, इसके लिए यहाँ पे लेस होता है। अब यही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू नैव 1 प्लस फ्रंट एंड लोड, लॉजिकली समझा। अब इसको घुमा दो मैथमेटिकली, तो नैव इज इक्वल टू, तो ये इधर आ जाएगा सेल प्राइस अपॉन 1 प्लस फ्रंट एंड लोड परसेंटेज। यही फ्रंट एंड लोड परसेंटेज का मेरे को अगर मैथमेटिकली और गेम खेलना है, तो फ्रंट एंड लोड को मैं इधर ले लूंगा, सेल प्राइस अपॉन नैव -1। एंड सेम वे एग्जिट लोड का भी मेन फॉर्मूला क्या है, नैव इंटू 1 माइनस बैक एंड लोड। बाकी दोनों मैथमेटिकली डिराइव फॉर्मूला है नैव का एंड बैक एंड लोड का। वैसे एक फन फैक्ट बता दू आपको, फ्रॉम 2009 सेमी रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड लोड, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपने को करना है। इन मेजोरिटी म्यूचुअल फंड बैक एंड लोड इज एग्जेम्प्ट इफ केप्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। सो सेबी ने तो फ्रंट एंड लोड हटा दिया है, बैक एंड लोड एग्जेम्प्ट है 1 साल से ज्यादा रखा तो इतना रेलेवेंस प्रैक्टिकली नहीं है, बट क्वेश्चन आता है तो अपने को प्रॉपरली करके जाना है। अब आ रहे अपन लोग एक बहुत ही मस्त वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, सॉरी उसके पहले एक रिक्वायर्ड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। सो रिक्वायर्ड रिटर्न टू बी अर्न बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। देखो इसमें क्या होता है, से आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया, 100 रुपए आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए। अब क्या होता है पता है क्या, जब आपने तो 100 रुपए दे दिए, पर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो ब्रोकर है वो अपना कट ले लेता है, कमीशन ले लेता है, और भी कोई इंटरमीडिएट है वो अपना कमीशन ले लेता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास काला खाली 96 रुपीज पहुंचता है। तो अब वो जो इन्वेस्टर है वो बोल रहा है मैंने 100 रुपए दिए और मेरे को इसके ऊपर 15% रिटर्न चाहिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलेगा, भाई तेरे को 15% रिटर्न चाहिए बट तेरा 100 रुपया नहीं, मेरे पास तो तेरा 96 रुपीज ही पहुंचा है, तो 15 रुपए का रिटर्न ऑन दैट 96 इज व्हाट द म्यूचुअल फंड कंपनी विल हैव टू अर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज 15 रुपया अपॉन 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसिस, जो 100 में से 4% कट गया तो 96 बचा, तो 15 अपॉन 96 प्लस अगर कोई भी एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिस होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये सब मिला के इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी को लाके देना पड़ेगा तो इन्वेस्टर को लगेगा कि हाँ मेरे को मेरा रिटर्न मिल गया है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को, तो बात कुछ ऐसी है कि से फॉर एग्जांपल मेरा, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो पार्टनर है एक कंपनी में, कंपनी का नाम है से एसके लिमिटेड, मेरा नाम है संकल्प, मेरे फ्रेंड का नाम है कनन, तो हम लोग दोनों पार्टनर्स है 50-50%। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हम लोग की कंपनी ने 1 लाख रुपए अर्न किए, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50। सो कैन आई से 50,000 का प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट उसके पास आ जाएगा, हो गया। हम लोग ने फिर नेक्स्ट ईयर वापस स्टार्ट हुआ, तो से 1/4/2026 से हम लोग का नया ईयर स्टार्ट हुआ, 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक टोटल कंपनी ने कमाया 4 लाख का प्रॉफिट। अब कहना इसे 50-50% ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें मैं कहानी में ट्विस्ट डालता हूं, अब समझो फर्स्ट 6 मंथ्स तो हम दोनों ही पार्टनर थे, उसके बाद वाले 6 मंथ्स में हम लोग ने और एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, और वो जो मेरा पार्टनर आया कहना इसे वो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का 1/3 1/3 1/3 हो गया, बट ये कहना इसे 1 अक्टूबर से हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यहां पे देखना जरा, ये देखो आपके लिए बनाया मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, समझो एसके है, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है एसके संकल्प और कनन का पार्टनरशिप 1/4/25 से 1/4/26 में लेकर 50,000 का प्रॉफिट दोनों ने बांट लिया 1/4/26 को, फिर आगे बिजनेस कंटिन्यू किया 1/10/26 तक, जब तक ये नया पार्टनर मिस्टर जेड नहीं आया तब तक 1,50,000 कमाया। अब ऑब्वियसली बात है ये जो 1,50,000 है ये किसको बिलोंग करता है, ये कहना इसे संकल्प और कनन को बिलोंग करता है, और बाकी का जो 3 लाख है जो 1/10/26 से लेकर 31/3/27 तक हुआ है कहना इसे दैट बिलोंग्स टू एसकेजी 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब सेम चीज होती है म्यूचुअल फंड में। अब देखना तो एक लास्ट चीज मैं बोल रहा हूं, अब ये से एग्जांपल ईयर एंड में 4.5 लाख हुआ प्रॉफिट, क्या मैं ये 4.5 लाख तीनों पार्टनर में एस के और जेड में 1,50,000 1,50,000 एंड 1,50,000 डिवाइड कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे नो सर, इसमें से जो स्टार्टिंग का 1,50,000 है वो तो खाली अपने एस और के का है, तो आप वो जेड में क्यों डिवाइड कर रहे हो? एग्जैक्टली यही सेम चीज होती है गाइस, एग्जैक्टली यही सेम चीज होती है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स में भी कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट कर दिया होगा, और कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जो फर्स्ट अप्रैल को उस इन्वेस्ट कर दिया, वो ऐसा कोई इन्वेस्टर होगा जो 1 दिसंबर को आएगा। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो कहना है इससे अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स हो गए। अब 1 दिसंबर को कोई एंट्री ले रहा है, अब जैसे ही कोई 1 दिसंबर को एंट्री लेगा तो 8 महीना से मैं इन्वेस्टेड हूं, वो जो इन्वेस्टर है वो 1 दिसंबर को एंट्री ले रहा है, और म्यूचुअल फंड कंपनी 15 दिसंबर को डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो 15 दिसंबर को तो जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर लिस्ट में उन सबको डिविडेंड मिलेगा। वो जो 1 अप्रैल वाला है वो बोलेगा, अरे यार ये क्या बात हुई कि जो 1 दिसंबर को आया उसको भी उतना डिविडेंड, और जो 1 अप्रैल से है उसको भी उतना ही डिविडेंड, तो ये तो गलत बात हो गई। यस सर, तो ऐसे सिचुएशन में देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जहां पे बोला गया है कि ये जो 1 दिसंबर को इन्वेस्टर आ रहा है उसको अपन बोलेंगे, भाई ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने 8 महीने में जो भी डिविडेंड कमाया ना, चल वो तू एक्स्ट्रा देगा, जो नैव है उसके ऊपर एक्स्ट्रा देगा, और वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में जाएगा फॉर द इन्वेस्टर्स जो पहले से इन्वेस्टेड है। एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, अगर कोई इन्वेस्टर जो पहले से इन्वेस्टेड है और बीच में से निकल रहा है, तो जितना टाइम वो इन्वेस्टेड था उतने टाइम का डिविडेंड इक्वलाइजेशन वो लेकर भी जाएगा। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल को कंटिन्यू किया है, अगर आप लोग नोट करोगे, एक सेकेंड, अगर आप लोग यहाँ पे नोट करोगे तो ये जब जेड आएगा ना हमारी कंपनी में, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये 1,50,000 तो एस और केक है, ये 1,50,000 तो एस और केक है, तो जेड को बोलेंगे सुन हमारा जो 1,50,000 है ना, उतना शेयर ऑफ गुडविल जो अपन लोग मालूम लाते थे, उतना शेयर ऑफ गुडविल तू हम लोग को लेकर आके दे दे, तो 1,50,000 का प्रॉफिट, उसमें से जेड अगर 1/3 पार्टनर आता है तो 1/3, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 कहना इसे 50,000 हुआ, 50,000 को मैं एस और के में डिवाइड कर देता हूं 25,25,000, जेड एस और के को एज अ पार्ट ऑफ गुडविल दे देगा, 50,000 उसके जेब से गया, ताकि ईयर एंड पे जब डिवीजन हो 4.5 लाख का, तो 1.5 लाख एस को, 1.5 लाख के को, और 1.5 लाख जेड को जाएगा, एंड दैट इज वेयर, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना शेयर लेकर आ गए 25,25,000 का, तो 50,000 उसमें से इफेक्टिवली माइनस कर दो तो बचता कितना है, 1 लाख जेड का, के का 1,75,000, एस का 1,75,000। लॉजिकली भी अगर आप करोगे तो ये 1 लाख और इधर इसका 75,000, तो 1,75,000, और ये इधर इसका 75,000, तो 1,75,000 एंड इसका 1 लाख। सो बेसिकली या तो जब जेड पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तब उससे गुडविल मंगा लो, या लास्ट में जब डिवाइड कर रहे हो तो एस और के को उसके पहले पीरियड का दे दो और एस के जेड को बचे हुए पीरियड का दे दो। तो यहां पे म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है कि सुनो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इंट्रोड्यूस करो, जो बोलता है दैट बॉस जब आप एंटर कर रहे हो तभी आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व विच इज कॉल्ड एज गुडविल लेकर आओ। वी नो दैट डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सपोज इफ एन इन्वेस्टर हैज परचेज म्यूचुअल फंड जस्ट बिफोर द डिविडेंड डेट, ही वुड गेट फॉर फुल डिविडेंड इवन दो ही बिकेम द ओनर जस्ट फ्यू डेज बिफोर। 1 दिसंबर को आया, 15 दिसंबर को डिविडेंड किया, वाह भाई तुम तो पूरा डिविडेंड ले गए। टू अवॉइड अबाउट डिस्पेरिटी एज न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर शुड आइडियली बी नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड दैट अरोज बिफोर हिज एंट्री। तो अपन क्या करेंगे, टू कॉम्पेंसेट फॉर द अबव एन इक्वलाइजेशन अमाउंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट जब वो परचेस करेगा, उसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देयरफॉर एज पर अबव कॉन्सेप्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड एट डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर इज कितना इनकम अर्न किया उसने वो पीरियड में वो आने के पहले, अपॉन यूनिट्स बिफोर इश्यू ऑफ यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इश्यूड। क्लियर? सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन इनकम कैलकुलेटेड ऑन अबव इज एडेड टू द म्यूचुअल फंड इनकम, सो दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो वो जो भी लेकर आएगा ना इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के इनकम में चली जाएगी और बाकी जो डिजर्व करते हैं उसको मिल जाएगी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन टू बी पेड व्हेन इन्वेस्टर सेल्स हिज यूनिट्स बिफोर डिविडेंड डे। सो अभी अगर मैं जा भी रहा हूं तो मैं उतना डिविडेंड मेरा लेके जाऊंगा, उसके लिए मैंने क्लासिक एग्जाम्पल बनाया यार, आप लोग भी क्या याद करोगे मस्त, में ये बुक में एग्जाम्पल देखो मजा आ जाएगा। देखो इनकम ऑफ फर्स्ट मंथ से 50 है, टोटल इनकम आया, सॉरी 250 का इनकम आया, अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 50, तो कहना इससे इनकम पर यूनिट 5 रुपए कमाया, तो इनकम ऑफ फर्स्ट मंथ 250 रुपीज का टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 50, तो 5 रुपए का इनकम पर यूनिट आया है यहां पे। एड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसीव्ड, अब ये जो नया बंदा आ रहा है ना उसको मैं बोलूंगा कि भाई देख तेरे को मैं 10 यूनिट दे रहा हूं, ठीक है, जो हम लोग का पुराना इनकम है ना ऊपर वाला उसके ऊपर 5 पर यूनिट हम लोग ने
उतना इनकम कमाए तो तू एक्स्ट्रा 5 रुपया लेकर आ। तो 10 यूनिट जो आ रहा है उसके ऊपर 5 रुपया जो ऊपर अपन लोग ने यूनिट कैलकुलेट किया है, तो 50 रुपीज इज वॉट ही विल ब्रिंग। समझ में आया? जब तक वो ज्वाइन नहीं हुआ था तब तक 250 रुपीज का इनकम आया, फिर उसने उसमें टोटल 50 यूनिट्स थे तो 5 रुपए का इनकम पर यूनिट हम लोग ने कमाया। एड डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जब कोई नया बंदा आएगा उसको बोलेंगे चल अभी तू भी ये 5 रुपया लेकर आ, तो 50 रुपया डिविडेंड इक्वलाइजेशन उससे ले लिया। वाइस वर्सा, जब कोई छोड़ के जा रहा है इनकम ऑफ सेकेंड मंथ और से 120 का इनकम कमाया, अभी 60 यूनिट्स आ गया तो 2 रुपए का इनकम पर यूनिट कमाया। अब जब वो जाएगा तब अपन लोग उसको बोलेंगे भाई तू जा रहा है कितना यूनिट बेच रहा है, 5 यूनिट बेच रहा है, अब तक हम लोग ने 7 रुपया कमाया है वो तेरे को दे देते, तो 35 रुपीज का हमारा टोटल आउटफ्लो हो गया। तो ऐसे एड लेस करके आपको टोटल पता चल जाएगा आपका पास कितना डिविडेंड इक्वलाइजेशन में पैसा आता है, और फिर बाद में कंपनी बोलेगी उसमें से कुछ अगर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंस बचता है दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन बैलेंस। समझ में आया? अब भाई यहां पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक है कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस। जो भी अभी इन्वेस्टर नया आ रहा है 1 दिसंबर को, उसको अपन बोलेंगे तेरे को ओपनिंग नैव तो देना ही है प्लस एंट्री लोड, अभी तुम लोगों को पढ़ाया एंट्री लोड तो उसको देना ही पड़ेगा भाई, एंट्री लोड तो देना पड़ेगा, वो भी देगा, साथ में तू डिविडेंड इक्वलाइजेशन का अमाउंट भी देगा। एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ तेरा ओपनिंग नैव है जब तू जा रहा है तो जो नैव का बैलेंस है वो नैव का हम लोग तेरे को पैसा दे देंगे, बट जो बैकएंड लोड है वो माइनस कर देंगे। एट द सेम टाइम जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है वो तू तेरे को बिलोंग करता है, उतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन मैं तेरे को दे दूंगा। समझ में आ गया एवरीबॉडी? सो यहाँ पे जब कोई खरीद रहा है तो उसको बोलेंगे चल ओपनिंग नैव भी दे, चल बैक फ्रंट एंड लोड भी दे, चल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी दे। जब वो जा रहा है तो उसको बोलेंगे चल नैव का तेरे को पैसा दे दिया बट उसमें से कमीशन माइनस कर दे, बट जितना डिविडेंड तेरे को बिलोंग करता है उतना मैं तेरे को ऐड करके दे दूंगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये रिडेम्पशन प्राइस हो जाता है। एंड फाइनली जब आपको नैव कैलकुलेट करना होता है तो ओपनिंग नैव तो आएगा ही, प्लस जो भी पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन उस बीच में हुआ है दैट विल बी टेकन, जो भी इनकम मिला है दैट विल बी टेकन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो रिसीव हुआ है जो पे हुआ है और उसके बाद कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारी की सारी चीजें क्लोजिंग नैव पे आ जाएगी। एंड दैट्स हाउ योर टोटल नैव इज कैलकुलेटेड। समझ गुरु? एंड अब अपन लोग आ रहे हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर व्हिच इज कॉल्ड एज हेज फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस फी स्ट्रक्चर। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, एक आप एक फिक्स्ड फी देते हो अपने असेट मैनेजर को प्लस वेरिएबल फी आप देते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने लिंक किया, आप लोग वहां पे देख सकते हो। वेरिएबल फी देते हो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो आप एक बेंचमार्क डिसाइड करोगे, आप और आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर एक बेंचमार्क डिसाइड करोगे, अगर ये बेंचमार्क के ऊपर गया तो आप उसको वेरिएबल फी भी दे दोगे, अगर वो बेंचमार्क के ऊपर नहीं गया तो खाली उसको फिक्स फी तो जो मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है, तो फिक्स फी तो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, प्लस अगर बेंचमार्क के ऊपर गया तो आप उसको वेरिएबल परसेंटेज दे दोगे। एंड दैट इज हाउ योर बेस फी प्लस वेरिएबल फी वर्क्स इन केस ऑफ हेज फंड्स। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन लाइक शार्पे ट्रेनर और जेंसन है वो मैंने सेपरेटली कवर किया है इन केस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हाँ, और इसी के साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट्स गाइज हो चुके हैं विद इन 1 आवर ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड क्वेश्चंस। अब आप बिंदास मास्टर सम्स के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो या मेरे आने वाले YouTube वीडियो का वेट कर सकते हो जहां पे मैं म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी एक सेशन लूंगा। सो गाइस लेट मी नो हाउ इट वर्क एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ओके देन, सो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला वेस्ता। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर उन लोगों को भी ये रिवीजन चाहिए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला वेस्ता, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। आ रहा है अब अगला सेशन, अगला चैप्टर का। वैसे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग। बाय।